नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे तवी रिवर का पूरा रहस्य और जानेंगे तवी रिवर से जुड़ी कुछ खास बातें, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, तवी नदी जम्मू की एक काफ़ी बड़ी और धार्मिक नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई लगभग 141 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर तक है। दोस्तों, इस नदी पर चार ब्रिज बनाए गए हैं। दो ब्रिज गुम्मट एरिया और विक्रम चौक एरिया को आपस में जोड़ते हैं और एक गुजनगर को बाहुफोर्ट एरिया से जोड़ता है तथा चौथा भगवती नगर को रत्नूचक से जोड़ता है। और एक पुल और भी बन गया है जो कि सिटी बाईपास को नगरोटा से जोड़ता है। यह नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचती है। दोस्तों, हिंदुओं का मानना है कि इस नदी को जम्मू में राजा पेहर देवता जी लेकर आए थे, जो कि अपने पिताजी को बचाने के लिए लाए थे और बाद में उन्हें लोगों ने जम्मू का राजा घोषित कर दिया। इस नदी के किनारे ही बावे वाले माता जी का मंदिर है, जहां पर हर की पौड़ी घाट भी है जो कि इस नदी पर ही है। बहुत से लोग इस घाट पर स्नान करते हैं। लोगों का यह मानना है कि इस घाट पर स्नान करके उनके सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत से हिंदू इस नदी के किनारे अपने बच्चों का मुंडन भी करते हैं। ये नदी कहाँ से आती है, यह बात अभी तक किसी को नहीं पता चली है। कई साइंटिस्टों ने इस नदी पर रिसर्च भी की है, लेकिन वह ये पता लगाने में असमर्थ रहे कि यह नदी कहां से आती है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह नदी कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है और भद्रवाह डोडा से होते हुए जम्मू पहुंचती है। इस नदी में एक बहुत बड़ा वाटर फिल्टर प्रोजेक्ट भी है, जिससे इस नदी का पानी फिल्टर होकर लोगों के घरों तक पहुँचता है। दोस्तों, 6 सितंबर 2014 में इस नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे कि जम्मू सिटी में बहुत ही तबाही हो गई थी, खासतौर पर वो शहर जो कि तवी नदी के किनारे थे। इससे जम्मू गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी बाढ़ में एक पुल भी टूट गया था। यहाँ आए दिन कोई ना कोई इस नदी में डूबकर मरता रहता है। इस नदी में बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल केस आते हैं, जिससे कि इस नदी को काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। यह नदी कुछ लोगों की आमदनी का ज़रिया भी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग मछली पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं। इस नदी में लोकल लोग काफ़ी गंद वगैरह भी फेंकते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। यह एक पवित्र नदी है जिसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।